सियालकोट में सीटीआई ग्राउंड चर्च की मलकियत है, जिस पर पिछले 50 सालों से जो मसीही लोग हैं अपनी कीर्ति का इजहार करते हैं, यहाँ पर हमारे मजहबी इजदामात किए जाते हैं और इनसे हमारा बड़ा तकदस का और कीर्ति का रिश्ता जो है वो जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से पीटीआई ने इस ग्राउंड पर सियासी एक्टिविटी करने की कोशिश की, उसने इसके तकदस को पामाल करने की कोशिश की, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जितने भी लोग पाकिस्तान में बसते थे उन सबसे वादा किया था कि आपकी जानो माल और आपकी इबादत की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और हम आपसे वादा करते हैं हम ये फ़र्ज़ पूरा करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने जिस तरह से मसीही बरादरी को मायूस किया है, अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पर श्रीलंकन शहरी को सियालकोट में जला दिया गया और वो पैगाम दुनिया में बहुत बुरा गया है। अब हम ये समझते हैं कि दोबारा सियालकोट में पीटीआई ने ये जो ज़बरदस्ती सियासी एक्टिविटी करने के लिए एक मजहबी इबादती जो ग्राउंड है उसको चुना है, इसकी पुरजोर हिफाजत मजम्मत पूरी दुनिया में की जा रही है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जगह जो है ये जगह चर्च से मंसूब है और हाईकोर्ट में जब हमारे इदारों ने हाईकोर्ट पर रजू किया तो अदलिया ने ये बर्मला कह दिया है, ये क्लियर कट ऑर्डर कर दिया है कि इस जगह पर कोई सेंसिटिविटी नहीं होगी, उसके लिए मतबादल जगह ली जाए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पीटीआई के जो अहदेदारान हैं, जो पीटीआई की क्यादत है, वो ज़िले इंतज़ामिया से और रियासत से तआवुन करें, जो मतबादल जगह आपको मिल रही है वहाँ पर आप जलसा करें। और मैं पुरजोर अल्फाज में अपनी कौम का नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं इस बात की हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे, ये हमारी मजहबी अकीदत की जगह है और इसके तकद्दस को पामाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी।